जाते गांव रायबन का छप्पर स्कूल है, जहां बच्चे पढ़ते और भैंसे नहाती हैं। मौसम गर्मा की आमद आमद है, ऐसे में किसी बच्चे को गर्मी सताए तो वो भी स्कूल के अहाते में बने तालाब में डुबकियां लगा सकता है। स्कूल के गिर चार दीवारी है ना प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स खंडर और माहौल बदबूदार, सफाई का तो नामो निशान तक नहीं। पानी भरा है तो बाथरूम जाने रास्ता नहीं है और मच्छर भरा है। यहाँ पर पानी बहुत है, भैंसे बैठी हुई है, मच्छर बहुत है, बदबू भी आती है, ना बाथरूम में जाने वाला रास्ता भी नहीं है। बहुत है यहाँ पर, नहीं जाता वॉशरूम में जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना है कि वो कई बार इस सूरत हाल के बारे में महकमा तालीम की तवज्जो दिला चुके हैं, लेकिन जबानी यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। सर आते रहते हैं, हमने उनको लिखा भी है, कहते भी हैं बार बार, वो कहते हैं यकीन नहीं कराते हैं कि हम ये इसका मसले का हल को सोचते हैं। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल में गंदे पानी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा है और वह बच्चों को स्कूल से उठाने पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के करीब वाके सरकारी स्कूल की बदहाली का ये आलम है, तो फरोग-ए-तालीम के दावे किस तरह पूरे होंगे? कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।